hello everyone a very 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 good afternoon to all of you kaise are sab koi i am cs Ishika and let me know quickly if i am properly visible and audible so that we can start our today's lecture of cset business communication hello everyone yes jaldi se am i live am i live let me quickly check if i am live unique academy गुड आफ्टरनून सागर गुड आफ्टरनून शिवानश श्रिष्टि सौरभ हिमांशी लीना अबिदा निक पारुल प्रतीक विशाल रूही दिया श्वेता गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून एवरीवन वन अवधेश सार्थक अर्पिता अंचल यस 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 बड़े ही दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है एंड आज मैं अपने घर से क्लास ले रही हूँ बिकॉज आई एम बैक एट माय होम सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग अगेन जल्दी से बताओ मेरी क्लास को मिस कर रहे थे कि नहीं ऐसा बोलो मैम बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे जल्दी से बताओ जल्दी से बता दो गुड आफ्टरनून उर्वी हैप्पी टू सी यू मैम आई एम इक्वली हैप्पी टू सी यू ऑल उदित गुड इवनिंग मैम आप कैसे हो आप बहुत मिस किया मैम आपको मैं बहुत अच्छी हूँ आप लोग सब कैसे हो और जल्दी से बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है अच्छे से पढ़ाई चल रही है कि नहीं मजा आ रहा है कि नहीं सारे लेक्चर्स में यस yes. जल्दी से बताओ क्या मजा आ रहा है मजा आ रहा है लेक्चर्स में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो एसी का मैम फैन पेज ओह माय गॉड ये किसने मेरा फैन पेज बनाया यार सो सो फील सो हैप्पी टू सी दिस लाइक अ हार्ट फॉर यू मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया यस <laughs> मैम yes, बहुत ज्यादा मिस किया लीना कह रही है बहुत ज्यादा मैम हर्षिता कह रही है वी मिस यू लॉट श्वेता आई इक्वली मिस योर लेक्चर एक्चुअली व्हेन आई वाज इन बैंगलोर तो मेरा मन बड़ा करता था ऑनलाइन क्लास लेने का इतने टेक्निकल इश्यूज होते थे डेली जो है क्लास हैंग करता था क्योंकि वहां पर आई हैड नथिंग बट अ लैपटॉप एंड अ कैमरा सो इसीलिए वहां पर इतना सारा प्रॉब्लम होता था बट यहाँ घर पे आया वो प्रॉपर स्टूडियो पूरा प्रॉपर स्टूडियो सेटअप है टू तो टेक द क्लासेस तो यहाँ पर कोई हमारा टेक्निकल इशू जो है वो नहीं होगा येस गुड आफ्टरनून मैम पढ़ाई चल रही है पर मैम आपको देखना नहीं था पढ़ने में मन नहीं लग रहा था हाँ हाँ ग्रेट अब लग जाएगा मैम कम्युनिकेशन की कोई पढ़ाई नहीं हुई अच्छे से डोंट वरी अभी बहुत टाइम है अभी अपन करेंगे रेगुलर अभी बहुत जोर शोर से करेंगे और लगेगा ना तो थोड़ा टाइम अभी तो वन आवर लेंगे थोड़े टाइम टाइम बाद विल इंक्रीज द टू तो आवर आवर ऐसा थोड़ा घंटे से ज्यादा ले लेंगे मतलब ट्वेंटी मिनट ले, ले लिया इस टाइप का तो अभी जोरों शोरों से कवर अप करेंगे डोंट वरी मैं पूरा आप लोगों का करा दूंगी भरोसा रखो भरोसा रखो मेरे ऊपर छोड़ दो कम्युनिकेशन मैं पूरा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दूंगी पूरा छोड़ दीजिए टेंशन खत्म कर दो बिजनेस कम्युनिकेशन का मैम क्लास खत्म कर लिए हैं ओके मैम अच्छा ये बताओ रिकॉर्डेड लेक्चर कि नहीं जनवरी वाला मैंने आपको बोला था ना चैप्टर का का रिकॉर्डेड देखने वो देखे कि नहीं विजय देवर कोंडा इज आउट मैम अभी रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे क्या देख लो तुम वो भी देख लेना साथ साथ में वो भी करते रहना मैम वन मंथ से आप पढ़ा रहे हो ना मैम आप मेरे साथ एक कनेक्शन हो गया है ग्रेट ग्रेट हाँ यस अभी अभी अभी, अभी एग्जाम तक रेगुलर लेक्चर्स रहेंगे अपने डोंट वरे यस मैम देख लिया है इशिका मैम कॉलेज लाइब्रेरी से ले रहा हूं मैम लिंक नहीं आया ग्रुप में बोल देते हैं लिंक भेजने के लिए दो मिनट रुक जाओ यस 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 मैम रोज यही टाइम है क्या हाँ जी टाइम यही होगा आई गेस टाइम सुटेबल फॉर यू जल्दी से बता दो टाइमिंग जम रहा है कि नहीं मैम मुझे अब टेंशन हो रही है नहीं देखे मैम कि आर एक से शादी में बिजी था क्यों नहीं देखे इतना छोटा छोटा लेक्चर था मैंने आपको बोला था ना जनवरी वाला चैप्टर नंबर वन टू थ्री का रिकॉर्डेड देखने के लिए क्यों नहीं देखा आपने मैम क्लासेस इसी टाइम पर रहेंगे एग्जाम तक अभी नेक्स्ट टेन फिफ्टीन डेज तो यही टाइम पर रहेगा अगर आप लोगों को टाइमिंग नहीं जमेगा तो कुछ ऊपर नीचे करके देख लेंगे जल्दी से बता दो टाइमिंग जम रहेगी नहीं मैम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखेंगे नहीं देखा है वेरी ग्रेट क्या किया जाए नहीं देखा है आप लोग ने मैम आपका लास्ट वाला वीडियो प्लेलिस्ट में हिडन है हाँ उसको मैं देखती हूँ उसको आज मैं देखती हूँ वो जो लेक्चर हिडन है शायद या तो उसमें आवाज़ नहीं आई होगी या तो कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए ही डन होगा मैं एक बार चेक कर लूंगी मैम बचा है अभी रिकॉर्डेड कोई बात नहीं फिर से पढ़ाई कर लेंगे पूरा मैंने देखा है मैम रिकॉर्डेड पलक वेरी नाइस पलक ठीक है आम... थ्री थर्टी पर कर लीजिए चलिए ठीक है कल से थ्री थर्टी पर कर लेंगे और 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 अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर और एक बार जो है ना हमने जो पढ़ा है ना हम उसको पूरा फिर से करेंगे ताकि चैप्टर नंबर आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए अगर आपको याद होगा तो हम एक बार चैप्टर नंबर फोर पढ़ चुके हैं लास्ट का एक दो टॉपिक छोड़ के और आपके जो एग्जाम में चैप्टर नंबर फोर का वेट है जो वो बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर आप पूरा अपना चैप्टर नंबर फाइव सिक्स सब मिला देंगे ना तो भी वो चैप्टर्स जितने बड़े हैं उससे बड़ा एक अकेला आपका चैप्टर नंबर फोर है मतलब जो आपका लेसन नंबर फोर है वो बहुत लेंदी है कंटेंट बहुत ज्यादा है और इम्पॉर्टेंट बड़ा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चैप्टर को तो पूरा आप लोगों को पी करके घोल करके पी जाना है मतलब पूरा प्रॉपर पी जाना है घोल करके ये वाला जो आपका लेसन नंबर फोर है जिसका नाम है आपका Of क्या नाम है इस चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन तो ये वाला जो चैप्टर है आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक बार हम इसे पढ़ चुके हैं बट क्योंकि अभी नहीं नई बात चालू हो रही है तो जो पुराने बच्चे हैं उनको पूरा रिवाइज करना ये और जो नही नए बच्चे हैं उनको एकदम ध्यान से सुनना है क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर पढ़ भी चुके हो तो दोबारा रिवाइज कर लो और नहीं पढ़ा हुआ है फिर तो एकदम कान खड़े करके सुनना एकदम एकदम मीनिंग एकदम ध्यान से सुनना और जो चीजें मैं आप लोगों को याद करने बोलूंगी वो आपको याद भी करना है ये कौन सा मटेरियल है मैडम ये मटेरियल है आपका आईसीएसआई का मटेरियल है आईसीएसआई ने जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया अपने वेबसाइट में Assuming कि ये सबके पास होगा और business communication के लिए मैंने किए हुए हैं हैं तो तो अगर आप सिर्फ highlighted वाला भी भी पढ़ते हैं, तो भी आपका पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाएगा जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से बनते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब हाईलाइटेड किए हुए हैं तो ये मेरा पर्सनली मार्क किया हुआ हाईलाइटेड किया हुआ बुक है अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कर सकते हो मैं आपको ये जो पीडीएफ है ये आपका भेज दूंगी या तो आपको यूनिक एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा पहले शेयर किया हुआ है यूनिक एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में राइट 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 राइट, राइट मैडम राइट तो अभी हम पूरा धुआंधार तरीके से स्टार्ट करने वाला है हमारा लेसन नंबर फोर जोश के साथ उमंग के साथ जल्दी से बता दो हाउस जोश जल्दी से बता दो बॉक्स में जोश जोश मैम आपकी डेट क्या है 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 आने वाली भूलना मत विश कर देना 24 मार्च ठीक गुड आफ्टरनून मैम मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था आपने रिप्लाई नहीं किया एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप कुछ दिन बंद था थोड़े दिनों बंद था आज मैं पक्का देख करके आपका सारे सबका रिप्लाई कर दूंगी आज मैं सबका रिप्लाई कर दूंगी मैम फिर से भेज दीजिएगा ठीक है ठीक है किसी के पास वैसे मैं अज्यूम कर रही हूँ यूनिक अकेडमी के ग्रुप में शेयर किया हुआ है मैं अज्यूम कर रही हूँ हाईलाइटेड पीडीएफ सबके पास होगा अगर किसी के पास नहीं होगा तो आप मुझे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या इंस्टाग्राम कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो मैं आपको भेज दूंगी हाय मैम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून जानवी हाय है जोश मैम सबका जोश बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए बहुत ही ज्यादा सबका जोश हाई होना चाहिए ठीक है चलो तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो चीजें मैं आपको याद करवाऊंगी वो आपको याद करनी है जो चीजें मैं बोलूंगी बस रीड ले लो समझ लो इनफ है वो उतना टाइम डिवोट करोगे इनफ है आपको इस सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया हुआ है फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताया हुआ है ईमेल कम्युनिकेशन के बारे में बताया हुआ है लेटर कम्युनिकेशन के बारे में बताया हुआ है तो देखो कई सारी चीजें बेसिक है कई सारी चीजें थोड़ी एडवांस है तो जो बेसिक चीजें हैं उसको बस एक बार समझ लो इनफ है तो कहने की बात यह है कि कुछ कुछ टॉपिक्स से एमसी बनते ही बनते हैं और कुछ कुछ टॉपिक एमसीक्यू नहीं बनते हैं तो आपको ये, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं करना कि एक एक लाइन उठा करके मग अप करने लग गए हो नहीं, नहीं 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 वैसा बिल्कुल अप्रोच नहीं रखना है अपन को बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए ऐसा मत रखना कि बस आईसीएसआई का मटेरियल उठा लिया एक एक लाइन मग अप करे जा रहे हैं एक एक लाइन एक एक लाइन रटे जा रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं करना है हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे पहले समझेंगे फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे कि किस किस तरह के MCQ बनते हैं टॉपिक से और किस अप्रोच से हमें पढ़ना है और जिन लोगों का पढ़ा हुआ है उनको एक एक आंसर आना चाहिए लेसन नंबर फोर का इस लेक्चर के बाद आपका लेसन नंबर फोर पूरा घोल करके पी जाना चाहिए पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए तो हम इसी जोश और उमंग के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन नंबर फोर्थ। मैम चैप्टर में डर लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, चैप्टर एट से इजी क्वेश्चन आते हैं, बन जाएगा रटना नहीं है चैप्टर एट को मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है डोंट वरी डोंट वरी नॉट टू फियर वेनेशिका मैम इज हियर भांग की तरह पीना है बिल्कुल भांग की तरह घोट करके पी जाना है मैम ये चैप्टर सीए फाउंडेशन के बीसीआर के कम्युनिकेशन हाँ सिमिलर है यस yes, शिवांश तू सब पढ़ के बैठा है हाँ हाँ ग्रेट आप भी पढ़ लो चलो 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 स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर फोर कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सबसे पहले कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है बातचीत होती है जैसे अभी हम हम आपके साथ चैट में क्या कर रहे हैं लाइव चैट में आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो अभी लाइव चैट में मैसेज आया किसका मैसेज आया गीता का मैसेज आया मैम आज चैप्टर स्टार्ट हुआ ही है जी बिल्कुल आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है गीता अफरीन का मैसेज आया टू शेयर sure. अच्छा अफरीन कह रहे हैं कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है अफरीन कह रहे हैं कम्युनिकेशन मतलब होता है टू शेयर सृष्टि जी कह रही हैं कभी नहीं सुधरेगा अर्पिता अबिदा जी कह रहे हैं है, मैम बी बीबीए में जो कम्युनिकेशन पढ़ा था वो हो, सेम होगा ना देखिए मैंने बीबीए नहीं किया है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है बीबीए बी में क्या कम्युनिकेशन होगा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ व्हाट इज कम्युनिकेशन मुझे चैट बॉक्स में बताओ व्हाट इज कम्युनिकेशन जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से बताओ व्हाट इज कम्युनिकेशन चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ व्हाट इज कम्युनिकेशन व्हाट इज कम्युनिकेशन मैम शिवांश का मैसेज आया है मैम कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज व्यू कम्युनिकेशन एंड इमोशन ओके बड़ा भारी आंसर था भाई तुम्हारा uh, गीता कह रही है टू शेयर अर्पिता कह रही है एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स भाई बड़ी भावुक हो गई तुम ऐसे ऐसे लग रहा है दुखती नस में अभी हाथ रख देंगे तो रोने लग जाओगी बहुत भावुक हो गई कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स ओ माई गॉड अंकित कह रहे हैं इट इज अ प्रोसेस अंकित जी प्रोसेस ऑफ व्हाट प्रोसेस ऑफ डूइंग व्हाट प्रोसेस ऑफ़ ईटिंग निक्की कह रही है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्ट निक्की जी कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी गुड अबीदा एक्सचेंज ऑफ इमोशन फिर अफरीन जी जो है वो इमोशन भावुक हो गई है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ आइडिया वेरी नाइस शार्क दे कम अप विद एन आइडिया दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रशीदा कह रही है बिल्कुल सही कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग आइडियाज फैक्ट आंचल कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आइडिया एक्सचेंज ऑफ थॉट्स यस बहुत सारे बहुत सारे मैसेज आ गए हैं टू शेयर ओपिनियन आइडियाज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इमोशन बिल्कुल बहुत 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 सारे मैसेज आ गए हैं ये सारा आपका होता है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब आपको पता है आप रियलाइज नहीं करोगे बट आप जब कुछ नहीं कह रहे हो तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अगर मैं सिंपली अपना चेहरा ऐसा बना लू या फिर ना मैं आप स्माइल करने लग जाऊं तो भी मैं कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ करते हैं आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं अगर मैं ऐसे करूं नमस्कारा कुछ कह नहीं रही हूँ मैं सिंपली ऐसे कर रही हूं दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन आपको मैं एक बात बताऊ कहू बता, बता दू अच्छा चलो बता देती हूँ बात ऐसी है मेरे प्यारे यारों मेरे दोस्तों बात ऐसी है कि इस उठने के बाद और सोने तक जो भी आप एक्टिविटी करते हैं सब कुछ कम्युनिकेशन है आप अपनी हर हरकतों से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने द वे ऑफ द वे यू स्टैंड द वे यू टॉक द वे यू सेट ही नहीं चलेगा आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन और हम भाव नहीं देते हैं मतलब हम भाव नहीं देते हैं जैसे कैटरीना कैस ने सलमान खान को भाव नहीं दिया वैसे हम भाव नहीं देते हैं लेकिन ये भाव देने वाली चीज है क्योंकि आपका पूरा दुनिया आपका पूरा लाइफ कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड है अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो भैया आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी खुश रहेंगे आपके घर वाले भी खुश रहेंगे आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा रहेगा पैसा भी अच्छा कमाएंगे और अगर आप बोलने में निकले राखी सावंत ऐसे शकल तो है एकदम नोरा फतेही जैसी और जब मुंह खोला तो समझ में आया अरे भाई ये तो पूजा का मुंह है तो आपसे कौन बात करेगा एक बात बताओ तब तो पूरा हो, हो जाएगा ना भंटाधार तब तो ऐसा रहेगा पर्सनल लाइफ भी गया करियर भी गया सब कुछ गया तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन तो जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं वॉट इज कम्युनिकेशन जब भी आप कोई अपना इंफॉर्मेशन आइडिया थॉट फीलिंग्स इमोशन कुछ भी आप शेयर करते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को तो वो होता है कम्युनिकेशन समझी गई ढिंचक पूजा यस मैम ज्यादा भाव देने से भाव बढ़ जाती है <laughs> पूरा लेसन फिर से सिखा रहे हो यस डोंट वरी आपका पूरा लेसन जो है मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला था मैम भूल गए जो आपने पढ़ाया सब भूल गए मैंने कहा इधर आओ इधर आओ मेरा तो मन किया कि एक फ्लाइंग चाड़ा या फिर कुछ फ्लाइंग बेलन वेलन फेंक के मारू लेकिन मैंने सोचा फिर है तो मेरे ही बच्चे है तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे भूलने कैसे देंगे तो एक बार बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने कहा फिर से उनको रिवाइज करवा देते हैं स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी स्टार्टस

श्योर sure. अच्छा यहीं से बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में आंसर दे रहे थे टैप करके ये वाला आंसर अब समझी मैं अब समझ में आया अब समझ में आया मैम नोट्स बनाने हैं क्या नहीं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन जितना जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना अपनी बुक में हाईलाइट कर ले प्रिंटेड सबके पास होगा तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अलग से जो जो मैं हाईलाइट क्यों जो मैं अंडरलाइन क्यों वो आप उसको हाईलाइट और अंडरलाइन कर लो अपने मटेरियल में भी मेरे साथ साथ तो कम्युनिकेट communis, communis, मतलब वर्ड लो अच्छे से कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड कम्युनिस्ट से जिसका मतलब होता है टू शेयर और ये क्या है ये क्या है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक्सचेंज करते हो फीलिंग्स बिहेवियर एक्सेट्रा थ्रू अल साइन बिहेवियर इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्स ओपिनियंस आइडियाज एंड फीलिंग्स बस इतना देख लो ये डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं है आपको याद करना है ये जो लेटिन वर्ड है ना ये लेटिन वालों के पास और कोई काम नहीं था इन्होंने बहुत सारे वर्ड दे दिए आपको याद करने के लिए ये कम्युनिस्ट वर्ड आपको याद करना है डेफिनेशन तो बस आप समझ लो उतना इतना उतना इनफ है ये रटना नहीं है डेफिनेशन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल साइन बिहेवियर सिंबल के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है Sign language के के भी भी होता होता है, है। और behavior, आपके behavior, आपकी हरकतों के भी communication होता है. जब आप गुस्सा होते सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है कैसे आपके बिहेवियर से ठीक है समझ में आया यस yes. उसके बाद इट इज एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स ओपिनियंस आइडियाज एंड फीलिंग्स इसमें आप अपने फैक्ट्स ओपिनियंस आइडियाज या फीलिंग शेयर करते हैं दूसरे दूसरे पर्सन के साथ ये इतना बस आपको याद करना है उसके बाद आपको याद करना है कम्युनिकेशन की अलग अलग डेफिनेशन बहुत सारे महारथियों ने दी थी सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है हडूर दबंग ने दी है हरसन ने जिसमें उन्होंने बोला है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं है इजी नहीं है इजी लगता है मोहिनी का डांस इजी नहीं है लेकिन ये हडसन भैया बोल रहे हैं बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल है कम्युनिकेशन ये भाई भाई साहब कह रहे हैं कम्युनिकेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अब मैडम क्या करे इसको याद कैसे करें देखो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी वाली डेफिनेशन किसने दी है आपको बस ये याद रखना है कौन सी वाली डेफिनेशन किसने दी है क्योंकि जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है वो बड़ी सारी है बड़ी सारी है एक दो तीन चार पांच कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है मैम पूरा कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो वर्ड बाय वर्ड पूरी याद करनी पड़ेगी क्या नहीं नहीं नई नहीं चिंता नहीं करो आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करनी है आपको बस इतना पता होना चाहिए अच्छा ये वाली डेफिनेशन इस भाई साहब ने दी है बस समझी गई समझी गई समझी गई समझी गई यस yes, मैडम तो इसमें मैं, मैंने आप लोगों के लिए मेमोरी टेक्निक बनाया हुआ मेमोरी टेक्निक ऐसी है कि आपने वो सलमान भाई का डांस देखा है सलमान भाई का डांस देखता है दा बंग दा बंग दा बंग हुड़ हुड़ दबंग दबंग वाला हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 ये, ये अगर आपने आपने अगर ये डांस देखा होगा सलमान भाई वाला हुड़ हुड़ दबंग वाला तो भाई साहब उसमें क्या कर रहे हैं बेल्ट पकड़ के हिला रहे हैं हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग बेल्ट पकड़ के हिला रहे हैं भाई इत, इतना इजी स्टेप मतलब इससे इजी स्टेप आपने देखा है अपनी दुनिया में इससे इजी स्टेप तो सिंपल स्टेप है भैया सिंपल स्टेप किसने किसका हुड़ दबंग तो इससे आपको ध्यान में जाएगा सिंपल 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 अगर उस डेफिनेशन में आ रहा है तो भैया किसने दिए वो डेफिनेशन दे हुड़ूर ने दी है हुसन हड़सन दबंग तो ये ना आपका मेमोरी टेक्निक है याद करने के लिए इनका कोई नहीं है। ये सिर्फ याद करने के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, है, तो है तो सिंपल सा डांस स्टेप है किसने दिया है भाई हुडूर, हुडूर दबंग भाई साहब ने दिया हरसन हड़सन हड़सन समझी गई गोपी भा हा मैडम समझ में आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से दूसरा डेफिनेशन जो है वो वो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड ये डेफिनेशन किसने दिया है ये डेफिनेशन दी है हमारे भाई साहब कुंज एंड ओडोनल भाई साहब ने कुंज एंड ओडोनल अब देखो डेफिनेशन में तो टू पर्सन आ रहा है वन पर्सन टू अनदर तो फिर इसमें जो डेफिनेशन देने वाले हैं उसमें भी दो लोग हैं कुन्स एंड ओडोनल कुन्स आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कुंज एंड ओडोनल राइट तो अगर डेफिनेशन में दो लोग आ रहे हैं टू टू पर्सन पर्सन फ्रॉम वन अनदर तो फिर डेफिनेशन देने वाले भी दो लोग हैं ओडोनल उसके बाद थर्ड आपकी जो डेफिनेशन है उसमें आपका वर्ड आ रहा है इमोशन इमोशन बचपन में हम एक कार्टून देखा करते थे जिसका नाम था टॉम एंड जेरी और टॉम एंड जेरी एक कार्टून नहीं था हमारे लिए वो एक इमोशन था हमें इतना प्यार था टॉम एंड जेरी से टॉम एंड जेरी एक इमोशन है तो इमोशन वाली डेफिनेशन कितने दी है टॉम एंड जेरी टॉम एंड जेरी से आपको याद आ जाएगा जॉर्ज आर टेरी जॉर्ज टेरी टॉम एंड जेरी टॉम और जेरी को मिक्स कर दो तो टेरी हो जाएगा टेरी टॉम एंड जेरी तो इमोशन अगर उस डेफिनेशन में इमोशन वर्ड आ रहा है तो वो डेफिनेशन किसने दिया जॉर्ज आर टेरी ने मैं आपको बता रही हूँ अगेन आई एम टेलिंग यू ये डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड नहीं रटनी है बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि अच्छा अगर उस डेफिनेशन में इमोशन वर्ड आ रहा है ये कौन से भाई साहब ने दिए है ये दिया है जॉर्जर टेरी भाई साहब ने जॉर्ज टेरी इमोशन टॉम एंड जेरी जॉर्ज टेरी अगर उस डेफिनेशन में वन पर्सन टू अनदर आ रहा है तो वो डेफिनेशन किसने दिया है कुंज एन ओडोनल भाई साहब ने दी है उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म किसने दिया है हडसन ने दिया है हुड़ हुड़ दबंग हडसन हडसन ठीक है समझी गई गोपी बाबू समझी गई एलन लुइस यस यस उसके बाद लास्ट है सम ऑफ ऑल थिंग्स ऑल से आपको ध्यान आएगा एलन एलन ऑल ऑल एन ऑल ऑल एन ऑल ऑल एन ऑल एलन तो ऑल से आपको ध्यान आ जाएगा एलन एलन तो अगर उस डेफिनेशन में ऑल थिंग्स आ रहा है अगर उस डेफिनेशन में ऑल वर्ड आ रहा है ऑल

वर्ड आ रहा है इमोशन तो वो डेफिनेशन किसने दी है भाई साहब इमोशन क्या है टॉम एंड जेरी इज एन इमोशन 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 क्या है emotion. तो emotion है टॉम एंड जेरी इज एन तो वाली डेफिनेशन दी जॉर्ज टेरी ने और अगर उस डेफिनेशन में ऑल वर्ड आ रहा है तो वो डेफिनेशन किसने दी है एलन ने दी है ऑल एलन ऑल एलन समझी गई जल्दी से बताओ एक एक झन को सबको सारी की सारी डेफिनेशन याद हुई कि नहीं एवरी वन सबको सारी की सारी डेफिनेशन याद हुई कि नहीं मैं आपको बताऊंगी किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है वही आपका अप्रोच होना चाहिए इसे याद करना है इसे नहीं याद करना है इसे बस समझना है किस टॉपिक में कितना पढ़ना है दैट वुड बी मोर देन एनफ तो ये पूरी क्लास बहुत स्ट्रैटेजिकली होने वाली है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने कम्युनिकेशन में फोर्टी एट आउट ऑफ फिफ्टी कैसे स्कोर करें और प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन में थर्टी आउट ऑफ थर्टी क्योंकि करंट अफेयर्स में वैसे ही पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए तो आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए तो डोंट वरी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का एक दिन अपन ने मैराथन लिया था वैसा दो तीन मैराथन और लेंगे बाद में एक बार चैप्टर फोर फाइव सिक्स अपन कवर कर ले बिजनेस कम्युनिकेशन का राइट उसके बाद अपन करेंगे तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन का आपको अच्छे से पढ़ना है जैसा हम बताएंगे जैसा हम गाइड करेंगे आपको कि हाँ इसको इतना पढ़ना है इसको उतना पढ़ना है उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो 45 प्लस कहीं नहीं जा रहे हैं आपके 45 प्लस पिंकी प्रॉमिस पास्ट बैचेस में आए हैं 45 plus, 45 प्लस प्लस पास्ट बैचेस में आए हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बैच का रिजल्ट पास्ट वाली बैच से भी ज्यादा अच्छा हो क्योंकि मे में, में तैयारी करने का ज्यादा टाइम मिलता है एज कम्पेयर टू जनवरी जनवरी में कम टाइम मिलता है एक महीना मिलता है बस और मई में, में जो है ना आपको तैयारी करने का बहुत ज्यादा टाइम मिलता है अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है दो महीना है कम से कम अभी आपके पास मार्च पूरा अप्रैल पूरा तो आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए और आराम से हर सब्जेक्ट में आप फिफ्टी में फोर्टी फाइव का टारगेट आराम से करके लेके चल सकते हो ठीक है मेरे भैया का फोर्टी सिक्स आया था वेरी नाइस nice. मैंने कहा ना कम्युनिकेशन फो, uh, में फोर्टी फाइव प्लस आता है चलो क्लियर हाँ मैडम एकदम क्लियर एक एक डेफिनेशन ऐसे तरीके से याद हो गया एक और डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की जो कि वेबस्टर डिक्शनरी में दी हुई है और ये बस आ रहा है कम्युनिकेशन तो का मतलब तो हम सबको पता ही है हमें बस ये याद करना है कि कौन सी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कौन से भाई साहब ने दी है तो यहाँ पर वेबस्टर डिक्शनरी में जो डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन की वहां लिखा है कि कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर सिंपल बहुत ईजी uh, डेफिनेशन है तो अगर उस वर्ड में उस डेफिनेशन में अंडरस्टैंडिंग वर्ड आ रहा है तो वो डेफिनेशन हमारे वेबस्टर डिक्शनरी में दी हुई है जल्दी से बताओ क्रिस्टल क्लियर और नॉट जल्दी से बताओ क्रिस्टल क्लियर और नॉट

वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मैं जितना आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ उतना ही आपको पढ़ना है उतना ही आपको याद करना है ठीक है उसके अलावा बाकी एक बार आप रीड ले सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको वर्ड टू वर्ड नहीं रटना है आगे बढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है स्कॉट भाई साहब ने दी है और इसका शॉर्टकट क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो स्कॉट भाई साहब ने दी है और ये जो डेफिनेशन है

बिजनेस कम्युनिकेशन तो स्कॉट भाई साहब ने बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है तो एस बी सी से आपको याद हो जाएगा कि स्कॉट भाई साहब ने बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है ये आपका मेमोरी टेक्निक है अब डेफिनेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन को हम एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन एंड

कोई गोल्स नहीं होता है हम फिटियाल बैठे हैं वेल्ले बैठे हैं तो हम बातचीत करने बैठ जाते हैं और भारतीय का और काम क्या है इंडियन लोगों का हम फिटियाल बैठे हैं कुछ काम धाम है नहीं हमें हम फालतू गप्पे गपे लड़ाने बैठ जाते हैं लेकिन जो आप बिजनेस मैटर्स के लिए कम्युनिकेट करते हो जैसे इमेजिन करो आ, मुकेश अंबानी मीटिंग कर रहे हैं कंपनी में कंपनी के ग्रोथ के लिए कंपनी के काम के लिए मीटिंग किया जा रहा है क्लाइंट से कम्युनिकेट किया जा रहा है कस्टमर से कम्युनिकेट किया जा रहा है कॉलिग से कम्युनिकेट किया जा रहा है आप एक बात बताओ वो कम्युनिकेट किसी परपज के लिए होता है कि ऐसे ही बैठे रहते तो हो जाता है वो तो किसी परपज के लिए होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए होता है और उसमें क्या हम हमसे बोल देते हैं पीछे से फीडबैक लेते हैं कि नहीं दूसरे वाले से फीडबैक भी तो लेंगे ना कि भाई तेरे को समझ में नहीं आया कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं तो मेन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन होता है उसमें आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट तो करते हो बट साथ ही साथ आप फीडबैक भी लेते हो ताकि एक्शन लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ये है आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बिजनेस कम्युनिकेशन और यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज आप आई ट्रांसमिट कर रहे हो क्या आइडियाज फीडबैक उधर से क्या ले रहे हो फीडबैक ले रहे हो टू ऑफ होलिटिंग एक्शन यानी एक्शन लेने के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो इन ऑर्डर टू टेक एक्शन सो दैट यू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस विच इम्वॉल्व ट्रांसमिशन सेंड करना क्या आइडियाज ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज Ensured by feedback, idea दे रहे हैं, feedback ले रहे हैं। For the purpose of eliciting action, ताकि हम action ले पाएं, which will accomplish organization goal, जिससे कि हमारा overall organization का goal achieve होगा, ये होता है आपका business communication का definition। Word by word याद करने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन बार read ले लोगे enough है। बस हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो business communication की definition है, administrative communication या business communication की जो definition है, ये किसने दी है? ये दिया है हमारे स्कॉट भाई साहब ने शॉर्टकट क्या है मेमरी टेक्निक मेमोरी टेक्निक है एस बी सी एस बी सी स्कॉट बिजनेस कम्युनिकेशन एस बी सी बोलो राधे राधे समझ में आया कि नहीं मैम फेस टू नहींक्चर फेस का, का टाइम क्या है फेस टू फेस मेरे लेक्चर सिर्फ ऑनलाइन है बिकॉज करेंटली आई एम नॉट इन पुणे अभी हम पुणे में नहीं है तो बिजनेस कम्युनिकेशन आपका सिर्फ ऑनलाइन होगा मेरे प्यारे बच्चों ओ मेरे प्यारे बच्चों बीच में हो रही थी इसीलिए बोला मैम ये सब तो आप ऑलरेडी करा चुके हो अभी वाले प्ले लिस्ट में यस 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 तो ये आपका रिविजन हो रहा है एक प्रकार से क्योंकि क्यों मैडम क्यों क्योंकि सासवे कभी थी? बहुत ही नहीं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ऑलमोस्ट एक महीना हो गया ये किए पंद्रह दिन मेरी क्लास नहीं हुई और ये हमने फिफ्टीन डेज पहले चालू किया था तो इसलिए ये चैप्टर हमें फिर से करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम आज कहाँ तक कराना है आज थोड़ा फास्ट करेंगे यस यस मैम थोड़ा रिपीट करवा दीजिए क्लास बफर हो क्लास बफर हो रहा है ऐसा मत कहो यार ये सिस्टम में भी बफर होगा तो फिर के, हम कहा जाएंगे कोकिला मम्मी हाँ 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 ठीक है चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ आप कम्युनिकेशन जिसके लिए मैंने आपकी प्यारी सी मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है आपको पूरे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में बहुत सारी मेमोरी टेक्निक मिलने वाली है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपका याद करने वाला प्रोसेस ईजी हो जाए अब देखो बहुत सारे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं जैसे कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस कम्युनिकेशन इज डायनेमिक प्रोसेस तो ये ना कई बार एमसीक्यू में आ जाता है जैसे विच ऑफ दिस इज नॉट द फीचर ऑफ कम्युनिकेशन चार ऑप्शन दे देगा और ना इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन देगा कि आपको चारों ही सही लगेंगे आपको लगेगा हाईअला चारों ही तो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ऐसा लगेगा आपको तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको मेमोरी टेक्निक से याद करना है कि फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा तो मेमोरी टेक्निक है आपकी टू डॉग इन टू डॉग इन जल्दी से बताओ

पूरी फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन करा रही हूँ फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में तो एक बार में आ जाएगा मैडम टू वे प्रोसेस क्या होता है समझ में एक बार में आ जाएगा बस याद कर लो इसको याद करना पड़ेगा मैडम हाँ इसको याद करना पड़ेगा आपको कि फीचर में क्या क्या आता है उसके लिए बस आप टू डॉग इन याद कर लो मेरा पक्का वादा है पिंकी प्रॉमिस आपको पूरे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन याद हो जाएंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू डॉग इन टू फॉर टू वे प्रोसेस टू वे प्रोसेस अच्छा एक बात बताओ मैं बस यहाँ बोले जा रही हूँ तो पढ़ रही हूँ ना बीच बीच में ताकि मुझे फीडबैक मिले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग क्रिस्टल क्लियर रिप्लाई कर रहे हो हाँ, मैडम समझ में आ गया तो ये टू वे प्रोसेस है ना मैं इधर से बोल रही हूँ उधर से आप रिवर्ट कर रहे हो उधर से आप मुझे फीडबैक दे रहे हो तो दैट इज वाई कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस और इसमें हम प्रॉपर फीडबैक भी लेते हैं और मैं जो पढ़ा रही हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो सक्सेस हुआ कि नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा ये मुझे आपके फीडबैक से पता चलेगा जब आप रिप्लाई करेंगे चैट में हाँ मैडम समझ में आ गया उससे मुझे पता चलेगा टू डॉग इन याद है मैडम याद है बिल्कुल याद होना चाहिए नहीं तो ना फ्लाइंग चाड़ा मिलेगा चाणा चाड़ा ठीक है तो ये हो गया उसके बाद टू डॉग इन दूसरा है डी फॉर डायनेमिक प्रोसेस डायनेमिक यानी चेंज होता रहता है आप सबसे एक ही तरह से कम्युनिकेट नहीं करते हो मम्मी से अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हो टीचर से अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हो तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग और लोगों के अकॉर्डिंग आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो बदल जाता है इसीलिए उसे डायनेमिक प्रोसेस बोला जाता है समझ रहे हो हाँ हाँ समझ रहे हो समझ रहे हो ना हाँ मैडम समझ रहे हैं तो कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस क्योंकि ये अपना शेप पार्टिसिपेंट यानी आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है बाबू शोना के आगे आपकी जो प्यार भरी बातें होती है उसमें तो पूरा ही आपका बात करने का तरीका ही बदल जाता है है ना सही कह रहे हैं कि नहीं शिवांश जी चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हाँ शिवान समझ रहा है कि आर आडवाणी से बातचीत करता है वो ठीक है कि नहीं चलो उसके बाद डी फॉर हो गया डायनेमिक प्रोसेस ओ फॉर हो जाएगा आपका ऑनगोइंग प्रोसेस यानी चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा भैया एक बार आई बोलने से काम नहीं बनता है आपको कॉन्टिन्यूसली तारीफें करनी होती है कि तुम स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो तो आपको जो कम्युनिकेशन है ना वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा वो आपको कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक बार करके रुक गए हो गया बस बस पट गई बस अब अब नहीं करना पड़ेगा कम्युनिकेट ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन हर बार लगेगा हर जगह लगेगा लगेगा हर जगह लगेगा ठीक है इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो एक कंपनी में आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा तीन लेवल्स होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल और कम्युनिकेशन सिर्फ टॉप लेवल में चाहिए क्या नहीं ना सिर्फ लोअर लेवल में चाहिए क्या नहीं ना कम्युनिकेशन तो मैडम तीनों लेवल पे चाहिए टॉप लेवल पे भी मिडिल लेवल पे भी लोअर लेवल पे भी और मैडम कम्युनिकेशन तो सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो कोई सी भी इंडस्ट्री हो तो इसे बोला जाता है ऑनगोइंग प्रोसेस उसके बाद है टू डॉग इन हमारा शॉर्टकट क्या था फीचर्स का टू डॉग इन टू हो गया हमारा टू वे प्रोसेस डी फॉर प्रोसेस हो गया ओ फॉर ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया फिर जी फॉर गोल ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड मतलब जैसे मैंने बताया ना हम हमारी जो आंटियां होती हैं जो हमारी मोहल्ले की हमारी जो आंटियां होती है जो पंचायती करती हैं जो हमारी हमारी मोहल्ले की आंटियां होती है उनका कोई गोल होता है क्या हाँ उनका गोल होता है हमारी जिंदगी तबाह करने का गोल होता है उनका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो उसी तरह जैसे दो दोस्त हैं मान के चलो ऐसा दो दोस्त हैं ऐसा मान के चलो राघव और शिवांश राघव और शिवांश वेल्ले बैठे हुए हैं राघव शिवांश और अंकित ऐसे फालतू की बकवास कर रहे हैं कि यार मुझे ना ये लड़की पसंद है तो ऐसी फालतू की फालतू की बकवास कर रहे हैं मतलब ऐसी टाइम पास वेल्ले बैठे हुए थे तो क्या उनका कोई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है हाँ भाई अगर वो बात कर रहा है मुझे ये लड़की पसंद है इसको कैसे पटाया जाए मतलब उनका कोई गोल है ना उनके बातचीत करने का गोल है कि इस लड़की को कैसे पटाया जाए वैसे ही अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मीटिंग चल रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी सेक्रेटरीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है इट कैन बी एफेक्टिव इफ बोथ द सेंडर्स एंड रिसीवर आर अवेयर ऑफ द गोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इज अ कॉन्ग्रुएंस ऑन देयर गोल्स मतलब जो सेंडर है रिसीवर है दोनों को मेन गोल पता है कि वो लोग क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं देयर देयर इज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ गोल्स मतलब दोनों के गोल्स मैच खा रहे हैं दोनों के गोल्स अलग अलग नहीं है तो कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है दोनों ही पार्टी एक गोल अचीव करने के लिए कुछ सोच करके कम्युनिकेट करते हैं आपस में तो ये हो गया टू डॉग इन आई फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस यानी कम्युनिकेट करना एक कला है कम्युनिकेट करना एक साइंस है एक आर्ट है सब कुछ है भैया साइंस आर्ट सब कुछ है कम्युनिकेट करना और इसीलिए इसे साइंस बोला जाता है और आपको आप वगैरह पढ़ने पढ़ते हैं लोगों जब आप किसी के माइंड के बारे में पढ़ते हैं परसुएशन परसेप्शन के बारे में उसे साइकोलॉजी बोला जाता है किसी के ब्रेन के बारे में माइंड के बारे में जब आप स्टडी करते हैं उसे साइकोलॉजी बोला जाता है जब आप नॉलेज डिराइव फ्रॉम साइंस इज यूज इन कम्युनिकेशन जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करते हो कि अगर वो बंदा का बॉडी लैंग्वेज ऐसा है तो वो क्या सोच रहा होगा क्या करना चाह रहा होगा उसके माइंड में क्या चल रहा होगा तो जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तो उसे एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी और जब आप सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है तो बताओ प्रॉपर कोर्सेज होते हैं इसमें प्रॉपर साइकोलॉजी में प्रॉपर डिप्लोमा कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं आप इसमें प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हैं इसमें आप आ, आगे जाके अपना करियर बना सकते हैं वो बोलते हैं ना साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं ना वो प्रॉपर इसकी साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करते हैं

बाबा लोग कौन से कोर्स करते हैं बाबा लोग कौन से करते हैं बाबा लोग होते हैं ठीक है नहीं, नहीं बाबा लोग का भी सच में कोर्स होता है उनका भी कुछ होता है एस्ट्रोलॉजी वाला मैम बुक प्रिंटेड नहीं करवाना है तो नोट्स प्रिपेयर करूं और रिमेम्बर करें प्लीज गिव मी सम बुक प्रिंट करवा लो यार अगर बुक प्रिंटेड नहीं है तो आज नहीं है तो आज जो जो पढ़ते जा रहे हो उसका नोट्स बना लो और बाकी चैप्टर्स के प्रिंट ले लेना आज अगर बुक नहीं है आपके पास तो जितना अपन पढ़ते जा रहे हैं उसके नोट्स बना लो और मैं सजेस्ट करूंगी बुक प्रिंट करवा लो यार करवा लो मैम मेरा भी कमेंट देख लो अरे देख लेंगे आई एम रियली सॉरी मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने में बिजी हो गई हूँ मैम मेक योर सी एस यस ज्योतिषी करते होते हैं यस yes. <laughs> तुमको ज्योतिषी बनना है क्या साइकोलॉजी यस yes. मैम यस 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 आज कितने टॉपिक करवाएंगे जब तक है जान जब तक है जान जब तक है जान तब तक पढ़ेंगे ठीक है आई एम रियली सॉरी इतने सारे मैसेज आ गए कि बहुत सारे मैसेज ऊपर चल जाते हैं तो मैं उन्हें नहीं पढ़ पाती हूँ मैम हाइलाइटेड पीडीएफ ग्रुप में भेजवा दीजिए बिल्कुल भिजवा देंगे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर ग्रुप में नहीं आया

तो बस उनकी एक नजर ही काफी होती है मतलब ऐसा घूरती है ना ऐसा ऐसा घूरेगी ना कि आपकी वही फट जाएगी मतलब आप वहीं टेंशन लेने लग जाओगे आप भग जाओगे मम्मी की नजरों से तो एक वो फेशियल एक्सप्रेशन जो है काफी कुछ कम्युनिकेट कर देती है कि भाई बस आपको अब झाड़ू मिलने वाली है मम्मी से वो एक फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ कम्युनिकेट कर देती है आपका टोन जब हम गुस्सा होते हैं हम बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलते हैं तुम चुप रहो तुम चुप रहो हम बहुत हमारा टोन जो है बोलने का बहुत हाई हो जाता है जिससे समझ में आता है हम गुस्सा है जब तो हम सैड होते हैं ना हम बहुत ज्यादा धीरे बोलने लग जाते हैं लाइक हाँ हम्म तो ऐसा होता है ना जब हम सैड होते हैं हम बहुत ज्यादा धीरे बोलने लग जाते हैं तो आपकी टोन ऑफ स्पीकिंग से आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो बिल्कुल आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप गुस्सा हो आप एक्साइटेड हो आप खुश हो आप सैड हो तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुसुआई सुसुआई तो ये 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 symbol है, gestures, ये 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 है भी भी ही हो 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 गया gestures, ये हो गया gestures, ये हो गया अब तो ये सारे भी आपके कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो ये, जो communication है, ये भी आपको कम्युनिकेशन करने में मदद करता है तो इसी के साथ हमारे सारे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे टू डॉग इन जल्दी से बोलो मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के ओ मेरे प्यारे बच्चों बोलो मेरे साथ Two dog in. Features of communication. Number one, two for communication is two way process. D for communication is dynamic process. O for communication is ongoing process. G for communication is goal oriented process. I for it is an interdisciplinary science or N for non verbal communication which includes tone, facial gestures, signs, symbol gestures, etc. जल्दी से बता दो क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी से बता दो क्रिस्टल क्लियर और नॉट एवरी वन एवरी वन क्रिस्टल क्लियर और नॉट जल्दी से बोलो मेरे साथ राधे राधे मैम एग्जीक्यूटिव में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो एग्जीक्यूटिव के लेक्चर हम इंग्लिश में लेते हैं हिंदी में नहीं लेते हैं मैम बता दो कौन सी वीडियो देखनी है मैं मे वाली आप लोग सीएससीटी के ग्रुप में होंगे ना तो उसमें आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी वो प्लेलिस्ट देख लेना बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जनवरी वाले लेक्चर्स होंगे उसमें देख लेना मैम आप बहुत अच्छी टीचर हो विष्णु सर की गर्लफ्रेंड <laughs> ये किसने बनाया है विष्णु सर की गर्लफ्रेंड ओ माय गॉड मैं, में में रिप्लाई नहीं किया रियली डीएक्टिवेटेड था पढ़ पाई हूँ मिस आउट हो गए हैं फिर से भेज देना मैं पक्का पढ़ लूंगी ठीक है मैम आज के लिए बस नहीं, नहीं बस क्या होता है मुझे तो नहीं पता बस क्या होता है ऐसे ट्रेन पता है मेरे को ट्रेन हवाई जहाज क्या होता है बट ऐसे बस क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता कोकिला मैम हाँ बताते हैं तुमको कोकिला जय श्री महाकाल जय श्री महा महाकाल क्रिस्टल क्लियर एवरीवन ग्रेट ग्रेट सीसी अल्ट्रा प्रो मैक्स निक तो अलग ही जोश में है मैम सीसी अल्ट्रा प्रो मैक्स ओके यस सीसी एवरीवन यस ग्रेट 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 सीसी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।, है तो एक छोटा सा हम टॉपिक और करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन भाई कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस क्या है क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट एक बात बताओ आपको अगर कम्युनिकेट करना आएगा ही नहीं आप अपनी भावना भावनाएं कैसे व्यक्त करोगे आपको कोई लड़की पसंद है अब मान के चलो शिवांश को कि आर अडवाणी से शादी करनी है तो उसको पसंद है वो कम्युनिकेट कैसे करेगा उसको आना चाहिए कम्युनिकेट करना तभी तो वो उसको प्रपोज करेगा ना कि आर अडवाणी मुझे तुमसे शादी करनी है वरना वो कैसे बातचीत कैसे करेगा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है जल्दी बताओ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है मैम आपका नाम क्या है माय नेम इज इशिका अग्रवाल टू एक्सप्रेस योर थॉट गो एचपी मोमेंट वेरी गुड वेरी गुड गो एचपी मोमेंट यस तो अब यहाँ पर एक बात यहां पर मुझे बताओ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं मैडम बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो हम इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं वो ऐसे ये वाला इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ेंगे कि हाँ अगर कम्युनिकेशन आएगा तो शिवांश जो है कि आरा अडवाणी को प्रपोज कर पाएगा और उसको पटा पाएगा ये वाला इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि एक बड़ी सी कंपनी में इन्फोसिस विप्रो एक बड़ी सी कंपनी में कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए मेमोरी टेक्निक बना दिया है मेमोरी टेक्निक है गो एच पी मोमेंट गो एच पी मोमेंट गो एच पी मोमेंट बस ऐसे बार 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 बोलो याद हो जाएगा जैसे टू डॉग इन गो मोमेंट ऐसे बार 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 बोलो याद हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले जी फॉर ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे तो आप उस फील्ड में जो है स्पेशलाइज हो जाते हैं स्पेशलाइजेशन यानी एक्सपर्ट बन जाते हैं एक्सपर्ट प्रॉपर देर आर एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन जैसे जो लोग होते हैं ना जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं वो एच आर मैनेजर बन जाते हैं

होते होते हैं हैं प्रोडक्शन फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं सेल्स एक्सपर्ट होते हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं तो अलग 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 ना डिवीजन बन जाते हैं अब वो सब अलग अलग काम करते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गई उनके बीच में कॉपरेशन चाहिए कि नहीं हमें उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि नहीं वो कैसे होगा कम्युनिकेशन की मदद से सेल्स वाला प्रोडक्शन वाले से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा प्रोडक्शन वाला फाइनेंस वाले से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा तो क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हो गया है तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एंश्योरिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमोंग डिफरेंट डिपार्टमेंट क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो गई है यानी डिपार्टमेंट बन गए अलग 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 स्पेशलाइजेशन यानी डिपार्टमेंट बन गए हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए हैं तो उनके बीच में कॉपरेशन होने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ अच्छा सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में एक पॉइंट आपका आईसी का भी है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज गो एच पी मोमेंट सबसे पहला हो गया आपका इंपॉर्टेंस का आई आई फॉर हो जाएगा इन साइज भैया ग्रो करना है कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आजकल तो सोशल मीडिया इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको सोशल मीडिया में कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको लोगों के सामने कम्युनिकेट करना आना चाहिए तो आप एडवर्टाइज अच्छे से कर पाओगे तो आप ग्रो अच्छे से करोगे एडवर्टाइजमेंट भी तो कम्युनिकेशन है ना जिसमें आप आके बताते हो कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है हमारा प्रोडक्ट वैसा है तो अगर आप कम्युनिकेट करोगे अच्छे से तो यू कैन ग्रो योर स्केल ऑफ ऑपरेशन यू कैन ग्रो योर बिजनेस ठीक है तो ये हो गया पहला आपका पॉइंट इंक्रीज इन साइज विद दिस यू कैन ग्रो यू कैन ग्रो ट्रेमेंडियसली योर स्केल ऑफ बिजनेस यू कैन इंक्रीज योर स्केल ऑफ बिजनेस आई आई सी दूसरा पॉइंट है आपका सी हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज गो एच पी मोमेंट वॉट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज गो एच पी मोमेंट तो आई हो गया हमारा इंक्रीज इन साइज उसके बाद सी कम्युनिकेशन का सी लेंगे सी से हमारा एक पॉइंट बनेगा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यानी भैया आज के जमाने में इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन है भैया ऐसा कोको कोला पेप्सी इतना ज्यादा टक्कर के कॉम्पिटिशन है पैप्सोर एंड कोलगेट इतना ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मतलब सर्फ एक्सेल ऐसा एक रुपए प्राइस कम करता है उधर रिन का एक रुपये प्राइस कम हो जाता है मतलब जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है एकदम कट टू कट जो कट्टर कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना वो कैसे सरवाइव कर रहा है मार्केट में भैया कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू आप मार्केट में कर पा रहे हो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे ना फिर तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे भैया गो गोवा गॉन आउट तो यहां पर आपको एक बात बोली गई लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भैया बहुत कॉम्पिटिशन है भैया बहुत कॉम्पिटिशन है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है परसुएसिव कम्युनिकेशन जिसमें आप परसुएड करते हो कस्टमर्स को कि भैया कोलगेट बेस्ट है नमक है इसमें नींबू भी है कोलगेट लो ना भाड़ में जाए पेप्सोडेंट भाड़ में जाए क्लोजअप कोलगेट बेस्ट है इसमें नमक भी है नींबू भी है सब कुछ है जो चाहिए आपको जो चाहिए सब कुछ है कोलगेट तो ये क्या है परसुएसिव है हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भैया कोलगेट यूज करो परसुएसिव कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी आपको करना 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 है, तो communication करना आना चाहिए. अगर आपको communication करना नहीं आएगा, तो आप आप में नहीं नहीं करोगे, आप competition नहीं कर पाओगे समझ में आया कट थ्रोट कॉम्पिटिशन समझ में आया इतना कंपटीशन है बट अमूल का ठीक है चाट मसाला भी है चाट मसाला चाट मसाला भी है कोलगेट में कैसी बात कर रहे हो यार कैसी बात कर रहे हो मत बोलना मैडम मिर्ची धनिया नमक सब है ऐसा मत बोल देना चलो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इसका शॉर्टकट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज गो एच पी मोमेंट एक पॉइंट है आपका आई से एक पॉइंट है आपका सी से एक पॉइंट है जी से फिर एक पॉइंट है एच से से दो पॉइंट है और मोमेंट से एक पॉइंट है तो हमारा आई सी और एम्प्लॉय के बीच में तो ह्यूमन रिलेशन अच्छा बना रहेगा जैसे आपका जो रिलेशनशिप है ना कम्युनिकेट करना जरूरी है ना वो बना रहता है समझोगे आप वही वाला एग्जाम्पल ज्यादा इसीलिए बता रही हूँ उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो रिलेशनशिप बना रहेगा ट्रस्ट जो है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वो बना रहेगा तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो रिलेशन अच्छा रहेगा एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना रहेगा उसके बाद पीपी -पी से हमारे दो पॉइंट है एक है हमारा पब्लिक रिलेशन पब्लिक रिलेशन भी है जो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करती है ना हर चीज पब्लिक को बताती है मीडिया को हर चीज बताती है सब चीज ओपन रहता है वो उसका ना पब्लिक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है गुडविल बहुत अच्छी होती है उस कंपनी की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है तो ऐसी कंपनीज और ऐसी ब्रांड्स जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती है उनका पूरी पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन होता है गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सप्लायर्स के साथ इन्वेस्टर्स के साथ सोसाइटी तो के साथ तो सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है उनकी पब्लिक इमेज बड़ी अच्छी मतलब कम्युनिकेशन तो स्किल्स है, 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 है आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो वो आपका एक असेट है असेट यानी समथिंग विच गिव्स बेनिफिट टू यू आपको पता है ना कॉमर्स के बच्चे हो अट लाइबिलिटी असेट लाइबिलिटी तो अगर मेरे मेरे में कोई खूबियां हैं मेरे में कोई अच्छी बात है मैं मुझे कोई चीज अच्छे से आता है या मेरे अंदर कोई स्किल है तो मैं बोलूंगी वो मेरी पर्सनल मतलब गुड़ है तो अगर मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा है तो मैं ये बोलूंगी इट्स माय पर्सनल एसेट कम्युनिकेशन स्किल्स इज एसेंशियल फॉर एवरी जॉब सो इट्स योर पर्सनल एसेट और लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा मोमेंट मोमेंट यानी कि ट्रेड यूनियन मोमेंट अब यहाँ पर क्या होता है ना हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जो है एम्प्लॉयज होते हैं वो एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं ग्रुप बना लेते हैं समूह बना लेते हैं उसे ट्रेड यूनियन बोला जाता है ट्रेड यूनियन क्या है जो एम्प्लॉयज का जो ग्रुप होता है ना उसे ट्रेड यूनियन बोला जाता है और अगर कंपनी उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करती है या मान के चलो उनकी सैलरी कट कर दी या उनको निकाल दिया काम से या फिर आ, आ, काम के वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए बिना उनसे कम्युनिकेट किए बिना पूछे बिना कुछ किए तो वो ना आंदोलन कर देते हैं वो कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं और वो ना स्ट्राइक पे आ जाते हैं स्ट्राइक पे तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में और अगर कंपनी जो है मैनेजर्स जो है वो अच्छे से ट्रेड यूनियन से कम्युनिकेट कर रहे हैं एम्प्लॉय से अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं हेल्दी रिलेशन बना के रख रहे हैं ना तो वो चीज वो नौबत नहीं आती है कि एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाए तो ये कम्युनिकेशन बड़ा एसेंशियल होता है इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज यूनियन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एम्प्लॉय यूनियन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एक एम्प्लॉय बहुत वीक होता है लेकिन जब सारे पांच हजार दस हजार एम्प्लॉय जुड़ जाते हैं ना और जब वो एक समूह बना लेते हैं ना तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है उसके बाद मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट यूनियन लीडर्स ऑन सेवरल मैटर्स अब उनसे एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए जो मैनेजमेंट है उनको ट्रेड यूनियन से और ट्रेड यूनियन लीडर से अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज बिटवीन मैनेजर्स एंड यूनियन ऑफिशियल्स हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन और उससे क्या होता है ट्रेड यूनियन खुश रहेंगे तो वो लोग स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे मूवमेंट वगैरह नहीं करेंगे तो ये बात है कि इसीलिए ताकि वो कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले कोर्ट में कोई केस फाइल ना करें स्ट्राइक्स वगैरह ना करें उसके लिए कंपनी मैनेजमेंट को ट्रेड यूनियन से यानी से एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए और इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए तो ये था आपका ट्रेड यूनियन मूवमेंट जल्दी से बताओ कोई कोई पॉइंट पॉइंट समझाऊं ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया कोई पॉइंट दोबारे समझाऊं कि सारे पॉइंट समझ में आ गए जल्दी से बताओ क्रिस्टल क्लियर की नहीं जल्दी से बताओ सारे पॉइंट समझ में आ गए कि कोई पॉइंट दोबारे से समझाऊं कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया कोई कोई ऐसा पॉइंट इनमें से जो नहीं समझ में आया कोई पॉइंट दोबारे समझाऊं नहीं मैडम समझ में आ गया सी, सी 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 ग्रेट 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 ग्रेट, ग्रेट सी सी मैम एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट लव फ्रॉम दिल्ली ओ लव यू टू यस 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 ऑल क्लियर ग्रेट समझ में आ गया तो आज हम इतना ही पढ़ाई करेंगे एक बार मुझे जल्दी से बता दो व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन जल्दी से बता दो मुझे सब कोई व्हाट इज व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया है अच्छा मैडम एक बात बताओ मुझे ये जैसे ये पॉइंट है इंक्रीज इन साइज इसके अंदर ये जो तीन लाइन दी हुई है पूरा वर्ड टू वर्ड रटना पड़ेगा क्या मैडम 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 एक बात बताओ ना मुझे जैसे ये जो टॉपिक है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन इसके अंदर ये छह लाइन दी हुई है तो पूरी की लाइन रटनी पड़ेगी क्या मैडम नहीं नहीं मेरे दोस्त नहीं मेरे दोस्त नहीं मेरे दोस्त नहीं रटनी है बिल्कुल नहीं रटनी है बस आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं और अंदर का बस समझना है अंदर का बस समझना है कि इंक्रीज इन साइज क्या होता है स्पेशलाइजेशन क्या होता है कंपटीशन क्या होता है दैट्स इट ये अंदर का जो मटेरियल है ना ये आपको याद नहीं करना है आपको याद क्या करना है आपको पॉइंटर्स याद करने हैं अंदर का बस समझना है कि हां इंक्रीजिंग साइज मतलब ये होता है स्पेशलाइजेशन मतलब ये होता है कटथ्रोट कंपटीशन मतलब ये होता है समझी गई गोपीवाऊ ओ मेरी गोपीवाऊ समझी गई क्या जल्दी से बताओ

आईज सी फॉर कट थ्रोट कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन जी फॉर ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन एच फॉर ह्यूमन रिलेशन पी से दो पॉइंट है पब्लिक रिलेशन और पर्सनल एसेट और मोमेंट से हो जाएगा आपका ट्रेड यूनियन मोमेंट ट्रेड यूनियन मोमेंट समझ गई गोपी बाबू हाँ मैडम समझ गई समझ गई और फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन जल्दी से बता दो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन छह फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़े हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं आपके टू डॉग इन टू डॉग इन टू फॉर मैडम इट इज टू वे प्रोसेस डी फॉर डायनेमिक प्रोसेस ओ फॉर ऑन गोइंग प्रोसेस जी फॉर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आई फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस और एन फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगेन आपको पॉइंट्स याद करना है अंदर का बस समझना है क्या क्या होता है क्या नहीं वर्ड टू वर्ड अंडर का रटने की जरूरत नहीं है मैंने जितना हाईलाइट किया जिसका मतलब होता है टू शेयर और ये डेफिनेशन पांच डेफिनेशन है सिंपल वाली डेफिनेशन हु दबंग भाई साहब ने दी है हडसन ने वन पर्सन टू अनादर वाली डेफिनेशन दो लोगों ने दी है

क्लास में ही याद हो गया कि नहीं क्लास में ही याद हो गया कि नहीं फाइव डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्लास में ही याद हो गया कि नहीं यस yes, मैम सब याद हो गया ग्रेट तो हमारी क्लास का यही अप्रोच रहेगा पूरा समझ समझ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि किससे कौन सा एमसीक्यू आ सकता है और ये मत सोचना कि क्लास के बाद बाद में याद कर लेंगे नहीं आप मेरी क्लास में रेगुलर आओ मैं पक्का वादा करती हूँ हू, साथ -साथ याद भी हो जाएंगी समझ में भी आ जाएंगी सब कुछ हो जाएगा मतलब सोने पे सुहागा वाला हो गया ठीक है तो क्लास में ही आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी याद भी हो जाएगा पिंकी प्रॉमिस है पिंकी प्रॉमिस है तो कल हम आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस करेंगे सेवन सीज करेंगे और सेवन सी के बाद हम ये करेंगे गाइडलाइंस करेंगे ठीक है गाइडलाइंस के बाद जोहरी विंडो का रिवाइज करेंगे तो ये सारा कंसेप्ट हम लोग करने वाले हैं जोहरी विंडो मतलब ज्यादा दिन नहीं लगेगा क्योंकि अभी क्या है कोई टेक्निकल है नहीं तो अपन थोड़ा फ्लो में बहेंगे तो जल्दी 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 हो जाएगा सारा और पंद्रह बीस दिन में या मैक्सिमम एक महीने में ना आपका पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है कोर्स नाइनटी परसेंट या नाइन्टी फाइव परसेंट हो जाएगा अगले एक महीने में अगले एक महीने में आपका नाइनटी फाइव परसेंट कोर्स जो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का हो जाएगा प्रोवाइडेड उसके लिए आपको रेगुलर क्लास में आना है कल से रेगुलर आपको क्लास में आना है और एकदम ओपन माइंड के साथ बैठना एकांत में बैठना क्लास लेने के लिए क्लास के साथ साथ आपको सब समझ में भी आ जाएगा याद भी आ जाए याद भी हो जाएगा मेरी गारंटी है उसके अलावा एक रेड कलर का पेन या ब्लू कलर का पेन और एक येलो हाइलाइटर अपने साथ लेकर के बैठना मैं जो जो चीजें आपको हाईलाइट करने बोलूंगी मेरी बुक में देख करके जो जो चीजें मेरी बुक में हाईलाइटेड है वो आपको अपनी बुक में भी वो सारी चीजों को हाईलाइट कर लेना है ठीक है इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो इस आईडी पे आप मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए वैसे तो ग्रुप में हो जाएगा ग्रुप में है अवेलेबल बट अगर आपके पास नहीं है आप बाद में ऐड हुए में अगर आपको ये वाला हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी या मुझे इंस्टाग्राम करके आप टेलीग्राम टेलीग्राम की भी सेम आईडी है आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम करके मुझसे डाउट जो है पूछ सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं थैंक यू सो मच मैम फॉर योर एफर्ट्स एक गाना गा दो आज आपका फेवरेट सॉन्ग मैम प्लीज आपके फैन को थोड़ा सा खुश कर दो कोकिला मम्मी गाना गाना तो यार बिल्कुल तेरे जैसा यार कहा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना ठीक <स्याँगा> है ऐसे मुंह में आया मेरे तो मैंने गा दिया आई होप आप लोगों के कान खराब नहीं हुए हैं तो दैट वॉज द सॉन्ग वैसे ये सॉन्ग आप लोगों के लिए था क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे मेरे यार हैं तो आप सब मेरे यार हैं तो ये सॉन्ग आप लोगों के लिए था मैम थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग लव यू लव यू ऑल यस मैम लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी यूनिक अकेडमी के सारे ग्रुप्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी मैम फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक भी हो गया क्या फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर फिर से कराएंगे सारे चैप्टर फिर से कराएंगे डोंट वरी मैम मेरा कमेंट पढ़ो ना यस यस पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा यस yes, मुझे व्हाट्सएप कर दो मैं आपको सेंड कर दूंगी मैम बहुत अच्छा से खाते हो थैंक यू सो मच ग्रेट 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 ठीक है uh, नहीं नहीं सी ए फाउंडेशन में अभी हम नहीं पढ़ाएंगे मैम व्हाट्सएप पर पी सेंड कर दीजिए बिल्कुल कर देंगे आप व्हाट्सएप कर दो बिल्कुल कर देंगे चलो ठीक है आई होप अगर गलती से मेरे से किसी का मैसेज मिस हो गया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कर सकते हैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगी ठीक है तो इसके अलावा ऑनलाइन में बहुत सारे मैसेज स्किप हो जाते हैं तो अगर मैंने आपका मैसेज गलती से स्किप कर दिया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कर सकते हैं कोई भी डाउट होगा तो कल की क्लास में रिवाइज करके आना मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ये तीन टॉपिक आपको जरूर से जरूर से जरूर से रिवाइज करके आना है वरना आपकी शादी नहीं होगी अच्छे से सबको सबको रिवाइज करके आना है पिंकी प्रॉमिस दो रिवाइज करके आओगे चलो ठीक है पक्का से सबको रिवाइज करके आना है कल की क्लास में आज जो हमने पढ़ा है और यस यस घर आ गए हम ठीक है ठीक है चलो इसके साथ हम लोग आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन कीप लर्निंग बिकॉज़ द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव टेक केयर बाय बाय